है। इस दे नाल ही कुछ बच्चे जिन्हां ने माता पिता की मौत हो जाती है उन्हां दा भी जिंदगी जीण दा कोई सहारा ना होण करके वह भी अक्सर समाज दे विच बेकदरी दा शिकार हो जाते हैं। मेरी सरकार नूं गुजारिश है कि इन्हां बच्चों की इस तरसयोग हालत नूं देखते हुए हैंडीकैप्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चों की जन्म समय पेंशन उस डॉक्टर तो लगवा दी जानी चाहिए है, तो एक आशा वर्कर की ड्यूटी हो जानी चाहिए है। हफ्ते बाद मेडिकली चैकअप वो घर जाए और दवाई दे। इन्हों विशेष पेंशन या माली सहूलत की सहूलत बिना किसी शर्त पहल के आधार पर मिलनी चाहिए है। इस दे नाल ही इन्हां दे शरीरक रोग बीमारियों के इलाज लई भी एक अलग तरह का फंड होना चाहिए ताकि ये समाज विच आम नागरिक की तरह जीवन जी सकन। इस संबंधित मंत्री मामले की अति महत्ता देखते हुए सदन विच बयान देने की कृपालता करन। डॉक्टर बलजीत कौर, समाजिक सुरक्षा ते स्त्री ते बाल विकास मंत्री। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस कॉल अटेंशन नोटिस दे विच गल की गई है बेसहारा बच्चों की ते डिसेबल्ड बच्चों की। उन्होंने एक विशेष माली सहायता ते उन्होंने बिना शर्त तो पेंशन लगाने की गल की गई है। तो सब तो पहला मैं जो बेसहारा बच्चे ने जिन्हां दे माता पिता की डैथ हो चुकी है या वो माँ बाप तो किसी तरह बहुत लंबे समय तो पासे हैं या दोनों पेरेंट्स हैंडीकैप हैं, इन्हां बच्चों नूं बिना किसी शर्त दे पेंशन लगाई जाती है। 1500 रुपया महीना इन्हां बच्चों नूं पेंशन दित्ती जाती है। और जेकर ये बच्चे माँ बाप तो बिना किसी गार्डियन कोल भी रह रहे ने तो गार्डियन की भी एनुअल इनकम नहीं विचारी जाती, यानी कि बिना शर्त तो इन्हों पेंशन लगाई जाती है। उस तो बाद जे हैंडीकैप बच्चों की गल करिए तो ये दो शर्त हैं। एक तो इस दे विच जो डिसेबिलिटी है वह 50% होनी जरूरी है और दूसरी गल कि दोनों पेरेंट्स की इनकम एनुअल इनकम 60,000 तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस दे विच जिवें कि गल की गई मेंटली हैंडीकैप बच्चों की खास तौर पर, क्योंकि इन्हां दी सांभ संभाल ईवन पेरेंट्स लई भी बहुत ज़्यादा औखी ते चैलेंजेबल है। सो इस तरह देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो मेंटली हैंडीकैप ने ओह सांभ संभाल तो वांझे रह जाते ने, ईवन पेरेंट्स कोलों भी वांझे रह जाते ने। सो इन्हां बच्चों ते जो एनुअल इनकम की शर्त है उसनू हटाने बारे सोचा जा सकता है। जिहड़ी 50% डिसेबिलिटी की शर्त है वह इन बच्चों पर पहले ही नहीं लगाई जाती। सो मेंटली डिसेबल जड़े बच्चे ने वो चाहे किन्ने प्रतिशत भी ने उन्हें ऑलरेडी पेंशन दिती जा रही है। सो ये जड़ा विचार रखा गया कि बच्चों नू बिना शर्त असी पेंशन देिए, मैनू लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और विचार करांगे भी ताकि पेरेंट्स नू एक कंटिन्यूस सेंसिटाइजेशन मिलती रहे कि वी आर गेटिंग समथिंग बिकॉज ऑफ दिस आवर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। सो इन्हां नू कोई विशेष माली सहायता या पेंशन बिना शर्त ते देण दा विचार जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे ने उन्हां ते कीता जाएगा। उस तो बाद जो गल की गई कि इन्हां दा अर्ली डायग्नोसिस जल्दी सर्टिफिकेट बनाया जाए, मैनू लगता कि हैल्थ डिपार्टमेंट भी अपने विचार रखेगा। सो पहला ही जो मेरे ध्यान विच है कि इन्हां बच्चों की अर्ली इंटरवेंशनल डायग्नोसिस जिहड़ा कीता जांदा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK दियां डेडिकेटेड हैल्थ टीम्स विजिट करदियां ने। ईवन हॉस्पिटल्स दे विच भी न्यूबॉर्न बच्चों इंस्पैक्ट करन लई
आंगनवाड़ी सेंटर्स च इनरोल्ड बच्चों लिए स्कूलों के सरकारी स्कूलों के एडिड स्कूलों के ये टीम्स रेगूलरली जांदियां ने और जिथे भी इन्हों लगते हैं कि इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं सो उन्हां बच्चों सरकारी हस्पतालों के मेडिकल कॉलेजों के और पी जी आई के रैफर किया जाता है ईवन इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स के भी इन्हों जड़ा इलाज है वह मुफ्त मुहैया कराया जाता है। बीबा सरबजीत कौर जी। स्पीकर साहब बहुत धन्यवाद मंत्री साहब का। मेरा प्रश्न सेहत डिपार्टमेंट नाल भी है क्योंकि जदों एक बच्चा 50% वाले सर्टिफिकेट की एक तो शर्त घटाई जाए 40% कर दिता जाए उन्होंने बच्चों का मामला तुसी कदे भी अनाथ आश्रम च जाके देखो